अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूँकि एक माँ की मजलिस है और ये अय्याम शहज़ादी से मखसूस एक मतला चंद इशार पेश करता हूँ। देखेंगे मतला से रिलेटेड। जहाँ के जर्रे जर्रे हुकूमत फातिमा की है, जहाँ के जर्रे जर्रे पर हुकूमत फातिमा की है। पसे पर्दा जो रहती है वो आयत फातिमा की है। पसे पर्दा जो रहती है वो आयत फातिमा की है। शेर मौलाना फरमा देखेंगे। पसे पर्दा जो रहती है वो आयत फातिमा की है। पिदर जिसका नबी शोहर वली बेटे इमाम हक, पिदर जिसका सिर्फ किस्मत फातिमा की है, ऐसी सिर्फ किस्मत फातिमा की है। पिदर जिसका नबी शोहर वली बेटे इमाम हक, जमाने सिर्फ किस्मत फातिमा की है। मुलाहिज़ा फरमाएं, जो लोग अपने घर में अज़ा खाना सजाते हैं वो किस फजीलत के मर्तबे पे है। मुलाहिज़ा फरमाएं देखेंगे। सुकून मिलता है कितना फातिमा को जिक्र सरवर से, सुकून घर में वो जन्नत फातिमा है, जिस घर में वो जन्नत फातिमा की है। मेरी बहने कभी बेपर्दा बाहर आ नहीं सकती, मेरी बहने कभी बेपर्दा बाहर आ नहीं सकती। अरे अगर मौजूद उनके घर में सीरत फातिमा की है, उनके घर में सीरत फातिमा की है। अगर मौजूद उनके घर में सीरत फातिमा की है, जो दुश्मन के लिए भी बद्दुआ करती ना हो सोचो। मुलाहिज़ा फरमाएं देखेंगे। जो दुश्मन
दुश्मन के लिए भी बदुआ करती ना हो सोचो। अरे वो कैसे बदनसब थे जिन पे लानत जो दुश्मन के लिए भी बदुआ करती न हो सोचो। वो कैसे बदनसब थे जिन पे लानत फातिमा की है। आखिरी शेर मज़ा फरमा, फिदक के गासिबों आखिर कहां पर बच के जाओगे। ये जो अय्याम चल रहे हैं, अगर इस अय्याम में फिदक का जिक्र ना हो तो फिर कोई जिक्र नहीं हुआ। फिदक के गासिबों आखिर कहां पर बच के जाओगे। अरे जो मैं अदालत फातिमा की है, सुकून मिलता है कितना फातिमा को जिक्र सरवर से। अजा खाना है जिस घर में वो जन्नत फातिमा।